नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन, बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टेक्ट पे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में आप सभी का ढेर सारा प्यार मिला है, ढेर सारा आपने सपोर्ट किया है, चाहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पे भी काफी सारा फॉलोअर वहां पे हमारे बड़े हैं, और बाकी टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पे भी काफी सारा स्टूडेंट नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, नए सब्सक्राइबर वहां पे भी बड़े हैं, और चाहे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो वहां पे भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहा है, जल्दी से आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, तो आपका कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको डायरेक्ट वहां पे रिप्लाई मिल जाते हैं। तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे कोई भी आपका डाउट हो आप मैसेज वहां पे कीजिए, आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे हमारा 9 से 9:30 के बीच में डेली लाइव सेशन रहने वाला है, मैं डेली लाइव वहां पे आऊंगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वहां पे क्लैरिफाई किए जाएंगे। तो जल्दी से आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। बाकी जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है वो है इंस्पायरिंग एरिगॉन टेक के नाम से, आप जल्दी से फॉलो कीजिए और बाकी वहां पे आप जुड़ जाइए, बाकी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी हेल्प आपको वहां पे मिलने वाली है। और दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, पिछली वीडियो में देख रहा था काफी ज्यादा स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट्स थे, वन बाय वन आपको वीडियोस भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जिसने भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आपके काफी सारा मैसेजेस आ गए थे, तो किसी कारणवश अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिल पाया तो उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहूंगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है आप सभी के सेम सिमिलर डाउट्स हैं, तो वो मैं वन बाय वन एक दो वीडियोस और भी मेरी आएगी उसमें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाला हूं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपका सीएसके एचपी के पालमपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर, और दूसरा जो आपका वाइस परमार यूनिवर्सिटी है तो वहां पे जो एडमिशन प्रोसेस आपका रहने वाला है वो किस तरह से आपका रहेगा, तो इन्हीं दो यूनिवर्सिटी के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी आज की इस वीडियो में, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट के ये डाउट्स भी थे, कंफ्यूजन भी था उनको कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो तभी मैंने सोचा कि ना एक अलग से यहाँ पे वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो सीएसके एचपी के पालमपुर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो आपके कोर्सेज है वो है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, बीबीएससी कोर्स है, यहाँ पे बीबीएससी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे जो बीबीएससी में एडमिशन होना है वो सिर्फ आपका एडमिशन होगा नीट के एग्जाम के बेस पे, बट जो आपका एग्रीकल्चर में यहाँ पे एडमिशन होगा वो आपका आईसीआर एग्जाम के बेस पे होना है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कोर्स है यहाँ पे फिजिकल साइंस है और आपका लाइफ साइंस यहाँ पे कोर्स है, आपका फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कम्युनिटी साइंस कोर्स है सीएसके एचपी के पालमपुर यूनिवर्सिटी में। सारे जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है इसके ऊपर यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या स्टेप आपके रहेंगे, क्योंकि आईसीआर का रिजल्ट अभी निकल चुका है, परसेंटाइल बेस पे आपका क्या स्टेप आगे रहने वाला है सारी बातें डिस्कस की जाएगी। और दूसरा जो वाइस परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, तो वहां पे जो आपके जो कोर्सेज है वो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है, दूसरा आपका बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स है, तीसरा आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स वहां पे है, तो इसका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या आपका प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, तो सारी बातें डिस्कस की जाएगी, काउंसलिंग प्रोसेस आपका कैसे रहेगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और यहाँ पे कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे आपका मेरिट बेस हो चाहे नॉर्मल सीट के लिए आपने अप्लाई किया हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिस स्टूडेंट ने सीएसके एचपी के पालमपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है उसी स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे 85% जो सीट्स हैं उसके लिए यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। बाकी अगर किसी और स्टूडेंट ने यहाँ पे आपका फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, और वाइस परमार यूनिवर्सिटी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बट अगर जो यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं, अगर हम ऑल इंडिया स्टूडेंट की बात करें, यहाँ पे सिर्फ दो यूनिवर्सिटी में 15% सीट्स हैं, वो जो सीट्स होंगी वो आईसीआर एग्जाम के थ्रू यहाँ पे फिल होंगी, लेकिन जो 85% जो सीट्स हैं वहां पे एलिजिबल सिर्फ वही स्टूडेंट है जो हिमाचली डोमिसाइल है, हिमाचल बोनेफाइड है, तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ भी जाने वाली है वो भी बिल्कुल आपकी कम जाएगी कंपैरिजन में आईसीआर के, क्योंकि आईसीआर में जो यहाँ पे कट ऑफ जाएगी वो ऑल इंडिया लेवल की जाने वाली है, बट यहाँ पे जो सीएसके एचपी की भी पालमपुर यूनिवर्सिटी है और आपका दूसरा जो वाइस परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबल है 85% जो सीट्स यहाँ पे फिल होगी उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे सिर्फ हिमाचली डोमिसाइल और हिमाचली बोनेफाइड स्टूडेंट है। और यहाँ पे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो भी बहुत कम होंगे हिमाचल में, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे पता भी नहीं था कि अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा वाइस परमार और सीएसके एचपी के भी पालमपुर का, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉर्म भी फिल नहीं किया है यूनिवर्सिटी के, तो ऐसे में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे, तो ऐसे में जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम यहाँ पे जाने वाली है।
और दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मेरे पास डाटा यहाँ पे कलेक्ट मैंने किया है, तो उस डाटे में आपको मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा अभी जो आईसीआर का एग्जाम हुआ है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेस पे यहाँ पे अनाउंस किया गया है, अभी जो आपका रैंक है वो नहीं आया है, ठीक है, रैंक आने तक का वेट कीजिए। बट यहाँ पे जो सीएसके एचपी की भी पालमपुर यूनिवर्सिटी है, मैंने एक बात आपको यहाँ पे बता दी, आपको अलग से यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, और दूसरा जो यहाँ पे एचपी के भी सॉरी यहाँ पे वाइस परमार यूनिवर्सिटी सोलन में है, हॉर्टिकल्चर कोर्स वहां पे है, उसकी यहाँ पे अभी लास्ट डेट फॉर्म की है 26, यानी कि आज ही लास्ट डेट है, अगर आपने नहीं फिल किया आज इसको फिल कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया जल्दी से फिल कीजिए, क्योंकि इसी फॉर्म के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगी, चाहे आपने नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई करना हो चाहे मेरिट बेस के लिए अप्लाई करना हो। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लूं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, अभी जो आपका सीएसके एचपी की पालमपुर यूनिवर्सिटी है वहां पे जो आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपके 10 स्टेप थे, 9 स्टेप मैंने वहां पे डिस्कस कर दिए थे, एक वीडियो भी अलग से मैंने बनाई है कि क्या आपके 9 स्टेप है, ठीक है, वो वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। बट जो आपका 10वां जो स्टेप है उसमें आपका वहां पे स्टेप में था कि आपका जो आईसीआर में स्कोर है वो कितना है वो आपको वहां पे फिल करना है, तो इस टाइम पे आपका जो सबसे पहले जो काम है जिसने सीएसके एचपी की पालमपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, सबसे पहले उसको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारी चीजें वहां पे डाल के उसके बाद जो उसका 10th जो स्टेप है उसको आप जल्दी से फिल कीजिए, जो आपके परसेंटाइल है सब्जेक्ट वाइज या फिर आपकी जो ओवरऑल टोटल परसेंटाइल है उसको आपको वहां पे डाल देना है और आपको जो फॉर्म है वो आपको वहां पे सबमिट कर देना है, ठीक है, ये आपका स्टेप रहने वाला है सीएसके एचपी की पालमपुर यूनिवर्सिटी का। आप जल्दी से जल्दी जो भी आपकी परसेंटाइल बनी है आज की डेट में इसको जल्दी से जल्दी आप फिल कीजिए, 10th स्टेप वहां पे जो आपकी परसेंटाइल है उसको आप फिल कीजिए, ठीक है, आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ये आपका अभी के लिए काम रहेगा। दूसरा मैं यहां पे बता दूं वॉयस प्रमाण वालों का, तो वॉयस प्रमाण की अगर बात करूं तो उन स्टूडेंट के लिए यहां पे मैं बता दूं अप्रोक्स एक हफ्ते के बाद 1 वीक के बाद यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिस आ जाएगा वॉयस प्रमाण वालों के लिए कि क्या उनका स्टेप नेक्स्ट रहने वाला है, क्योंकि यहां पे जो आपकी काउंसलिंग होगी सीएसके एचपी केवी पालमपुर की जो काउंसलिंग है उसमें जो आपका हिमाचली डोमिसाइल स्टूडेंट है उनके लिए रैंक अलग से जाने वाला है और वॉयस प्रमाण यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो अलग से जाने वाला है, वो आईसीआर के थ्रू नहीं जाएगा। सिर्फ यहां पे फिर से सुनिए 15% जो सीट्स होगी जो आईसीआर के द्वारा फिल होगी उसमें आपका जो रैंक है वो ऑल इंडिया थ्रू के थ्रू जाने वाला है, आईसीआर के थ्रू जाने वाला है, बट जो यहाँ पे सीएसके एचपी की पालमपुर यूनिवर्सिटी है वो आपका अलग से रैंक देगा एक हफ्ते बाद अप्रोक्स, जो मेरी बात वहां पे यूनिवर्सिटी में हुई है तो 1 वीक बाद अप्रोक्स आपके नोटिस आ जाएगा, आपका रैंक वहां पे आ जाएगा कि 1 वीक बाद आपको पता लग जाएगा कितना आपका रैंक है, आपका रैंक हिमाचल वालों को अलग से निकलेगा, चाहे आपने वॉयस प्रमाण के लिए यहाँ पे भरा हो या फिर आपने दूसरा सीएसके एचपी पालमपुर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल किया हो, ये सिर्फ उसी स्टूडेंट का अलग से यहाँ पे आएगा जिस स्टूडेंट ने ये फॉर्म फिल किए हैं, बाकी स्टूडेंट के लिए इसमें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पे जो 15% सीट्स हैं अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है चाहे फिर वो ऑल इंडिया स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ 15% सीट्स वेकेंट रहेगी वो सिर्फ ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए रहेगी, उसमें हिमाचल वाला अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है आईसीआर का एग्जाम दिया है तो 15% में वो अप्लाई कर सकता है इन यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी जो सीएसके एचपी की पालमपुर यूनिवर्सिटी है आपका यही स्टेप रहेगा कि आप वहां पे क्या कीजिए अपनी परसेंटाइल जल्दी से डालिए, ठीक है, जल्दी से आपको वहां पे फिल कर देनी है। बाकी वॉयस प्रमाण का मैंने बता दिया, अलग से आपकी यहां पे रैंक निकलेगी, ठीक है, आपको वीडियोस भी इसके ऊपर अलग से मिलेगी, ठीक है, आप जल्दी से हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कीजिए, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा हर एक टॉपिक पे डिफिकल्ट वीडियोस बनाना रहेगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा काउंसलिंग तक, आपका पूरा सपोर्ट पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, बट आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो आप वहां पे पूछ सकते हो, आपकी पूरी आपका पूरा सपोर्ट वहां पे किया जाएगा। अभी इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरिट बेस की, ये होगी नॉर्मल सीट के लिए, नॉर्मल सीट के लिए यहाँ पे जो एडमिशन होना है वो आईसीआर एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक है, उसका आपका रैंक हिमाचल वालों का अलग से निकलने वाला है, बाकी आईसीआर की 15% जो सीट है उसका अलग से रैंक बनेगा, ठीक है, वो आईसीआर के थ्रू आपका बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरा मेरिट बेस की, जो आपकी यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है,
चाहे आपने नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे फिर आपने मेरिट बेस पे किया हो। जो आपकी मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन होनी है, उस मेरिट बेस के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, ऑल इंडिया स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए जो आपका है, आपको फॉर्म यहाँ पे अलग से फिल करना पड़ेगा मेरिट बेस के लिए। वॉइस प्रमार के यहाँ पे 26 अक्टूबर को लास्ट डेट है, आज ही लास्ट डेट है, आज के आज अगर आपने नहीं भरा है आप जल्दी से फिल कीजिए। मेरिट बेस में जो आपकी यहाँ पे जो एडमिशन होगी वो आपकी प्लस टू के परसेंटाइल के बेस पे होगी। जो आपकी प्लस टू में ट्वेल्थ में परसेंटेज है उसके बेस पे आपकी यहाँ पे मेरिट बेस में एडमिशन होने वाली है। चाहे आपका सी एस के एचपी के भी पालमपुर हो, चाहे फिर वॉयस परमार यूनिवर्सिटी हो, दोनों में आपकी यहाँ पे प्लस टू के परसेंटेज के बेस पे आपकी एडमिशन होनी है। तो इसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ये तो की मेरिट की बात, जो यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है चाहे आपकी नॉर्मल सीट हो चाहे मेरिट बेस हो, अप्रॉक्स 1 वीक यानी कि 6-7 दिन में यहाँ पे बिल्कुल आपको नोटिस दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको इसी चैनल पे यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर वीडियो ना बन पाए तो आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, आपको वहां पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप जल्दी से जुड़ जाइए, वहां पे बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है इंस्पायरिंग एग्रीकल्चर टेक के नाम से, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां पे अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा बाय चांस अगर वीडियो नहीं बनी तो। एक हफ्ते बाद आपका हो सकता है कि नोटिस आपका आ जाएगा। जो यहाँ पे काउंसलिंग होनी है वो दोनों आपकी इकट्ठी होगी, चाहे आपका मेरिट बेस हो चाहे फिर आपका नॉर्मल सीट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई किया हो, तो दोनों की जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, काउंसलिंग जो आपको ये सेम डेट पे आपकी होगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परसेंटाइल आपको यहाँ पे फिल करनी है सीएस के एचपी के पालमपुर में, और बाकी जो वॉयस परमार यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको अभी एक हफ्ते बाद यहाँ पे नोटिस निकलने वाला है कि आपका प्रोसेस आगे रहने वाला है। आपका रैंक लिस्ट वहां पे जारी की जाएगी, कितना आपका रैंक है, फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग फॉर्म आपका फिल होगा, ठीक है, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए काउंसलिंग के लिए। दोस्तों इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, काउंसलिंग के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, दोस्तों आपको यहाँ पे लिस्ट एकदम से बना देनी है, लिस्ट आपको प्रिपेयर रखनी है डॉक्यूमेंटेशन की। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका पंचायत से मिलने वाला है, जो कि आपका पंचायत से मिलता है, जिस पंचायत के आप रहने वाले हो उस पंचायत से आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और दूसरा यहाँ पे आप सुन लीजिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपका प्लस टू का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th की आपके पास मार्क लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल भी एंड डुप्लीकेट दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपका है वो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की है कि ये लिस्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके रखनी है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए काउंसलिंग के लिए, आधार कार्ड आपका हो गया। इसके बाद आपका हिमाचली बोनेफाइड, जो हिमाचली डोमेसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका बनता है आपकी तहसील से बनेगा आपका डोमेसाइल और बोनेफाइड, सिर्फ एक दिन में आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, जल्दी से आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिलने वाला है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका स्कूल से जहां से आपकी प्लस टू पास आउट आपने की है वहां से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको वहां से लेना है। इसके बाद जो आपका तीसरा आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको कहां से मिलेगा, जहां से आपने 12वीं पास की है वहीं से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बट यहां पे एक कंफ्यूजन स्टूडेंट का और है, वो ये है अगर उन्होंने यहाँ पे गैप किया है प्लस टू के बाद, यानी कि एक साल उन्होंने ड्रॉप किया, दो साल ड्रॉप किया है, या फिर किसी अदर कोर्स में वो इन्वॉल्व है, तो उनको करेक्टर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा फिर तहसील से, आपकी तहसील और आपके पुलिस स्टेशन से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनने वाला है अगर आपने गैप किया है। और यहाँ पे प्लस उनके पास एक डॉक्यूमेंट और होना चाहिए, वो होना चाहिए गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका आपकी तहसील से बनता है, एक एफिडेविट होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, आपको रीजन देना पड़ता है कि आपने एक साल किया क्या है, अगर आपने एक साल ड्रॉप किया है, एक साल में आपने क्या चीज की है, उसका आपको गैप सर्टिफिकेट आपका बनता है, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, जो हमारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो जिस कैटेगरी से आप हो उसका आपके पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जनरल वालों का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, जो एससी एसटी ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है उनका अलग से यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, वो भी आपके पास ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका एक दिन में बन जाता है, आपका पंचायत से बन जाता है, बाकी आपका तहसील में बनता है, बाकी इस टाइम पे यहाँ पे हिमाचल में आपका
ऑनलाइन भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक दो दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कीजिए, आप ओरिजिनल कॉपी हम इसके अपने पास रखिए और डुप्लीकेट भी यहाँ पे रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके अगर करेक्ट होंगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आपको काउंसलिंग में बाहर भी किया जा सकता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सही से नहीं होगी। और इसके बाद जो आपके पास होना चाहिए, गैप की बात कर ली, अगर आपका गैप है तो उसका गैप सर्टिफिकेट आपका बनेगा। और इसके बाद करेक्टर की भी मैंने बात कर ली, ओवरऑल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको रेडी रखने, ये आपको तैयार रखने हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये आपको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, चाहे आपको सीएस के एचपी के पालमपुर में अप्लाई किया है या फिर वॉयस परमार में किया है या फिर आईसीआर में किया है, सभी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपकी सेम रहने वाली है। और बाकी पीजी के लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पीएचडी के लिए भी इन यूनिवर्सिटीज के लिए आपके सेम डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हम जो आपका डाउट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपके कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका खुशी का यहाँ पे माहौल भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिमाचली बोनाफाइड स्टूडेंट है उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि उनकी कट ऑफ आईसीआर के से अदर स्टेट के कंपेरिजन में कम जाने वाली है। क्यों कम जाने वाली है? क्योंकि यहाँ पे जो मौका मिलेगा वो सिर्फ हिमाचली डोमेसाइल को मिलने वाला है 85% सीट्स के लिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है अप्रोक्स अगर मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताऊं तो बाकी एक्यूरेट में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपका रैंक अलग से निकलेगा। जैसे ही आपका रैंक आएगा सीएस के एचपीक्यू पालमपुर यूनिवर्सिटी का तो आपको अलग से वीडियोस भी मिल जाएगी, और वॉयस परमार का रैंक जैसे ही आएगा तो आपको उसके ऊपर भी अलग से वीडियो मिलेगी कि कितने रैंक पे कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी परसेंटाइल के बेस पे अगर मैं बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, एक्यूरेट नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जो आपकी परसेंटाइल है आईसीआर ने जो परसेंटाइल दी है वो ऑल इंडिया लेवल पे, एक तो ऑल इंडिया लेवल पे वो दी है, क्योंकि हिमाचल में बताना इसका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो हिमाचल के बालों के साथ होने वाला है, तो आपकी परसेंटाइल ऑल इंडिया बेस पे है। तो बाकी इस पे कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर आपका आईसीआर में, अगर हम यहाँ पे परसेंटाइल की बात करें, अगर पीसीबी वाले जो ग्रुप वाले हैं उनके अगर 70% है या फिर 75% है तो हो सकता है उनको यहाँ पे कोर्स मिल सकता है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। परसेंटाइल के बेस पे यहाँ पे कट ऑफ हम नहीं बता सकते हैं, आपके रैंक के बेस पे ही कट ऑफ हम बता सकते हैं, बट ये मैं एक्यूरेट बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है 70-75, इससे कम भी हो सकती है पीसीबी वालों की। तो आप घबराए नहीं, आप वेट करें, ठीक है, रैंक आने का वेट करें। बाकी जो आपका सीएस के एचपी के पालमपुर यूनिवर्सिटी का अलग से रैंक आएगा, वाइस परमार का अलग से रैंक आएगा, उसका आप वेट करें। बाकी जो मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया है उसका भी अलग से रैंक बनेगा, ठीक है, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है फिर उसके हिसाब से आपका मेरिट बेस भी रैंक बनेगा, तो उसका भी मैं अलग से आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी मेरिट बेस पे, कितनी परसेंटेज आपकी जाने वाली है। तो बिल्कुल सारी जानकारी आपको इसी चैनल में मिलेगी, तो चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो यहाँ पे पीसीएम वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उनका कंपटीशन सिर्फ यहाँ पे पीसीएम वालों के साथ ही रहेगा, तो उनकी कट ऑफ क्या है बहुत कम जाने वाली है सीएस के एचपीवी पालमपुर में और वॉयस परमार यूनिवर्सिटी में। तो एक्सपेक्ट मैं करूं 50% या 60% जा सकती है, बट इससे कम भी जा सकती है, 35-40 तक भी जा सकती है पीसीएम वालों की, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, ये एक्यूरेट नहीं है। जैसे आपका रैंक आएगा उसके बाद आपको एक्यूरेट बता दिया जाएगा, बाकी आपकी काउंसलिंग में पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है, चाहे फिर आईसीआर की आपकी काउंसलिंग हो, चाहे फिर आपकी सीएस के एचपी की भी पालमपुर हो या फिर वॉयस परमार की काउंसलिंग हो, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जल्दी से अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, आप जल्दी से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कोई भी यहाँ पे आपके डाउट्स हो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जल्दी से हमें डाउट्स अपने बताइए ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं, ठीक है। बाकी आगे भी आपको वीडियोस मिलेंगी, जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहेंगी, पूरा सपोर्ट आपको हमारा मिलता रहेगा। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।